आपको मैंने जो होमवर्क वाला क्वेश्चन दिया था उसमें वन 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 के तीन ब्लॉक रखे हुए थे। तो एक ब्लॉक यहाँ पे था, एक ब्लॉक यहाँ पे था और एक ब्लॉक यहाँ पे था, ठीक है। और ये मान लेना कि ग्राउंड होगी नीचे कोई, ये हो गया। तीनों के मासेस आपको बेटा दिया हुए थे वन वन और वन के जी। दिस इज वन के जी, दिस इज ऑल्सो वन के जी एंड दिस इज ऑल्सो वन के जी, राइट। ब्लॉक के नाम भी अगर आप देखोगे तो रिस्पेक्टिवली ए बी सी मैंने आपको हमेशा दिया हुआ है इसके नाम। तो यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ, सपोज दिस इज ब्लॉक ए, दिस इज ब्लॉक बी एंड दिस इज ब्लॉक सी। रफनेस आपको दी हुई थी तीनों सरफेस पे 0.1, 0.4 और 0.2 की। तो रफनेस के नाम पे आप यहाँ पे म्यू लिख सकते हो 0.1, म्यू इज इक्वल टू 0.4, म्यू इज इक्वल टू 0.2, यही था ना, 0.1, 0.4, 0.2, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन हमारा। इसमें जो आपसे पूछा गया था, देखिए इसके दो पार्ट आपको मैंने दिए थे और इसमें पहला पार्ट जो आपको पूछा गया था, एक फोर्स मिडिल वाले ब्लॉक में लगाया था, है ना, मिडिल वाले ब्लॉक में एक फोर्स लगाया हुआ था, ये कैपिटल एफ का, और आपको ये निकालना था फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ कैपिटल एफ, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ कैपिटल एफ जिस पर ये सिस्टम या पार्ट ऑफ सिस्टम मूव करेगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ कैपिटल एफ जिस पर पूरा सिस्टम या कोई एक पार्ट ऑफ सिस्टम मूव कर जाएगा। मैं उसका आपको क्वेश्चन सबसे पहले बताता हूँ, फॉर व्हाट मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स एफ विल द सिस्टम और एनी पार्ट ऑफ सिस्टम विल मूव। मीन्स आपको पूछ रहा है एफ की मिनिमम वैल्यू बताइए फॉर विच सिस्टम और एनी पार्ट ऑफ सिस्टम विल मूव, ठीक है। तो पहला पार्ट ये पूछा गया था। मैं एक काम करता हूँ, मैंने हमेशा आपको इस तरह के सवालों में, चाहे दो ब्लॉक सिस्टम हो चाहे तीन ब्लॉक सिस्टम हो, मैंने आपको हमेशा एक बात समझाई है। क्या समझाया है? सबसे पहले आप मानो कि कंबाइंड सिस्टम को हमें चलाना है, आप फुल सिस्टम को डील करो। और इसमें आपको मैंने समझाया था एक मेथड जिसका नाम था सिस्टम बाउंड्री मेथड, याद है बच्चों? एक मेथड समझाया था जिसका नाम था सिस्टम बाउंड्री मेथड। तो मैंने यहाँ पे सिस्टम के नाम पे ये तीनों ब्लॉक्स सिलेक्ट कर लिए, सिस्टम के नाम पे मैंने ये तीनों ब्लॉक्स यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए हैं। और अभी मैं कंप्लीट सिस्टम की मोशन की कंडीशन चेक करूँगा, ठीक है। यानी यहीं से मैं इसको सॉल्व करना शुरू करता हूँ और मैं लिखूँगा फॉर कंप्लीट सिस्टम, फॉर कंप्लीट सिस्टम, राइट। अभी अकॉर्डिंग टू फ्री बॉडी डायग्राम जब आप सिस्टम के वीडी बनाओगे तो टोटल मास ऑफ सिस्टम दिखाओगे 3 kg, फोर्स दिखाओगे राइट साइड लगता हुआ और नीचे रफनेस दिखाओगे, बिकॉज ये जो बीच में रफनेस लगेगी वो तो आप समझ जाओ इसका इंटरनल पार्ट हो जाएगा। जो बीच में फ्रिक्शन फोर्सेस लगेंगे इधर वाले सरफेस में और इधर वाले सरफेस में, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा इसका इंटरनल पार्ट। और आपकी जानकारी के लिए मैं एक काम भले कर देता हूँ, मैं यहाँ पे बना देता हूँ डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्सेस, राइट। मैं यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्सेस बना देता हूँ, मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतरीन होगा वो। तो चलिए आप देख लीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है फ्रिक्शन के डायरेक्शंस देखने में। तो देखिए, अगर मिडिल वाले ब्लॉक में आगे की तरफ इसको ले जाने के लिए फोर्स लग रहा होगा तो यहाँ पे एक फ्रिक्शन लगेगा इधर और एक फ्रिक्शन लगेगा इधर।
इस वाले का रिएक्शन लग जाएगा आगे और इधर वाले का रिएक्शन लग जाएगा इस डायरेक्शन में। अब ऊपर वाले में आप देखो ड्राइविंग फोर्स आगे आ गया, नीचे वाले में आगे आ गया, तो जो ग्राउंड अप्लाई करोगे फ्रिक्शन यानी इस कोफिशियंट की वजह से, 0.2 के कोफिशियंट की वजह से, वो आ रहा होगा पीछे की तरफ, ठीक है ना। अभी मैं इनके नेमिंग कर देता हूँ। सपोज दिस इज F1, तो ये वाला भी हो जाएगा F1। सॉरी, अगर ये F1, ये वाला है F2, तो इसका रिएक्शन था F2, राइट। अगर ये F1 है और ये F2 लिया, तो इसका रिएक्शन इधर हो जाएगा F2। फिर से सुनो, अगर ये ऊपर वाला F3 है, तो इसका भी रिएक्शन यहाँ पे हो जाएगा F3, ठीक है। इतनी बात समझ गए। अब एक काम आपको करना है, अब इतने हमने फोर्सेस आपको दिखा दिए फ्रिक्शन के, तो लगे हाथ आप इन सारे फ्रिक्शन फोर्सेस की मैक्सिमम वैल्यू यानी कि लिमिटिंग वैल्यू मेंशन कर दो। तो देखो यहाँ पे जो मैं कैलकुलेशन अब आपको दे रहा हूँ, मैं सबके लिमिटिंग वैल्यूज लिख रहा हूँ। सबसे पहले मैं लिमिटिंग वैल्यू लिखूंगा F1L के लिए। F1L मतलब द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ F1, इसके लिए मैक्सिमम कितना होगा, म्यू इंटू एन होता है। और आपको मैं कई बार बता चुका हूँ कि जो N होगा नॉर्मल रिएक्शन, उसमें तीनों ब्लॉक्स का आप इफेक्ट देखोगे, कंबाइंड करके आप इफेक्ट देखोगे, तो मास कितना हो जाएगा 3 kg, तो नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा 3g, समझ गए, 3g मतलब 30। तो आप लिखोगे 0.2 इंटू 30, यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारा 6 N का, दिस इज F1L, ठीक है। दूसरा फ्रिक्शन चेक करो F2L, देखो कंबाइंड मास कितना लोगे, केवल दो ब्लॉक्स का लोगे, यानी मास हो जाएगा 2 kg, नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा 2g, और रफनेस आप देख लीजिए 0.4 है। तो आप लिखोगे F2 की लिमिटिंग वैल्यू, दिस इज 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 20 मीन्स 2g, तो F2 की लिमिटिंग वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी 8 N, ठीक है। अब कौन बचा भाई, अब बचा F3। F3 की भी लिमिटिंग वैल्यू आप देख लो, F3L विल बी इक्वल टू 0.1 इंटू 10। ये समझ गए क्यों, क्योंकि यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन 1 kg के अक्रॉस लग रहा होगा, तो ये हो जाएगा 1g मतलब कि 10 N, तो 0.1 इंटू 10 यहाँ पे आप सीधे सीधे लिख सकते हो। तो F3 इंटू L इज इक्वल टू 1 N। तो मैंने तीनों की लिमिटिंग वैल्यू यहाँ पे अप्लाई कर दी। फिलहाल अभी मैं क्या देख रहा हूँ, अभी मैं देख रहा हूँ इस सिस्टम का कंबाइंड मोशन। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे एक बात आपको और लेनी है, ये जो आपको स्टैटिक फ्रिक्शन के कोफिशियंट दिए गए हैं, यही अगर मान लो कहीं स्लिपिंग होती है, तो यही कोफिशियंट आपको काइनेटिक फ्रिक्शन के भी लेने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि अलग से नहीं दिया, आपको एक एक वैल्यू दी है, इसका मतलब आपको स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशियंट और काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशियंट साथ साथ, मतलब कि एक ही लेना है, सेम वैल्यू, राइट। तो चलिए अब बोलते कम है, काम थोड़ा ज़्यादा करते हैं। तो अब इसके कंबाइंड मोशन की अगर मैं बात करूं, आप अगर फ्री बॉडी डायग्राम देखते हो, तो मैं लिखता हूं FBD ऑफ सिस्टम। सिस्टम का मास है 3 kg, ठीक है, आप ऐसे ही तो दिखाओगे। इधर लग रहा है पूरे सिस्टम में एक F का फोर्स, और तुम ध्यान दो F1L, मैं बोलूंगा काइनेटिक फ्रिक्शन लेके चल रहा हूं, क्योंकि इसकी स्लाइडिंग मैं मान के चल रहा हूं, समझ गए ना। तो ये काइनेटिक का काम करेगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर ही होती है, समझ गया ना बच्चों। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर ही होती है, अगर फ्रिक्शन कोफिशियंट सेम है तो। तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा F1L, और साथ ही साथ मैंने एक एक्सेलरेशन यहाँ पे लिया हुआ है A का, और इसके अलावा आपको एक अच्छा खासा नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा। ये सरफेस से मैं इधर से एक नॉर्मल रिएक्शन N बोल रहा हूँ, राइट। मैं हर बार FBD नहीं बनाऊंगा, आप इस वाले केस में देख लो खाली। और MG आपको देखना है, तो दिस विल बी 3G, आप समझ गए मतलब 30 N। तो आप इक्वेशन लिखोगे यहाँ पे F माइनस, अभी N इज इक्वल टू 3G, और म्यू से मल्टीप्लाई करने की आपको यहाँ ज़रूरत नहीं है, बिकॉज F1L की वैल्यू तो हम ऑलरेडी यहाँ निकाल चुके हैं ना म्यू इंटू N से, तो वो 6 हो जाएगा।
तो आप लिखोगे एफ माइनस सिक्स विल बी इक्वल टू थ्री ए, तो ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी एफ माइनस सिक्स अपॉन थ्री, ठीक है। ए की वैल्यू यहाँ पे हमारी सॉल्व होके आती है एफ माइनस सिक्स बाय थ्री। अब ये बताइए एफ की मिनिमम वैल्यू हमको डील करनी है, समझिएगा, हमको एफ की मिनिमम वैल्यू डील करनी है। मिनिमम वैल्यू का क्या मतलब है, आप थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली समझिएगा। शुरुआत में मान लो ये एफ है, मैं शुरुआत में इसकी वैल्यू जीरो लेके चलता हूँ और टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा मैं इसकी वैल्यू धीरे 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 बढ़ाता रहूँगा, राइट बच्चों। तो शुरुआत में इसकी वैल्यू जीरो थी तो भाई कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा था, मैंने इसको बहुत माइन्यूटली धीरे 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 बढ़ाया, बहुत ही ग्रेजुअली मैं इस फोर्स की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूँ। तो भाई हल्का सा लगाया, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो गए, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हुआ तो मैंने कहा सिस्टम के चलने की टेंडेंसी राइट साइड आई है तो एटलीस्ट बॉटम वाले सरफेस पे फ्रिक्शन बैक साइड लगेगा, ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद और बढ़ाया और बढ़ाया और बढ़ाया, एक टाइम ऐसा आया होगा ना, एक टाइम ऐसा आया होगा जब ये बिल्कुल वो वैल्यू पकड़ चुका होगा एफ हमारा, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि ये कंबाइंड सिस्टम बिल्कुल जस्ट प्रिवेंट फ्रॉम मोशन की कंडीशन में आ गया, समझ गया ना मेरी बात। अगर मैं इस एफ को जीरो से बढ़ाता हूँ तो मैं एक वैल्यू ऑफ एफ ऐसी पा जाऊंगा जिस पे मैं ये बात आपसे कह सकता हूँ कि ये सिस्टम बिल्कुल जस्ट चलने वाला है, यानी कि यहाँ पे क्या लग रहा होगा, लिमिटिंग, राइट, यहाँ पे क्या लग रहा होगा, लिमिटिंग। हालांकि मैंने एक्सेलरेशन माना, अभी देखो उसी को कन्वर्ट भी कर रहा हूँ, यहाँ क्या लग रहा होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन, उस समय एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो। तो आप चलाने वाले फोर्स का नाम जिस पे वो जस्ट चलना शुरू करने वाला है सिस्टम हमारा, अगर हम ये कह दें फॉर एफ इज इक्वल टू एफ मिनिमम, फॉर एफ इज इक्वल टू एफ मिनिमम इंप्लाइज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि एफ मिनिमम वो वैल्यू थी जिसपे सिस्टम जस्ट चलने वाला था, एफ मिनिमम वो वैल्यू थी जिसपे सिस्टम जस्ट चलने वाला था। तो जस्ट चलने वाला था मतलब चला नहीं, तो एक्सेलरेशन कितना, जीरो। तो अभी इसको जीरो रख दो एफ, तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा पूरे इत्मीनान के साथ में, समझ गया ना मेरी बात। तो अभी आप करोगे नाउ जीरो इज इक्वल टू एफ माइनस सिक्स बाय थ्री, तो एफ आ जाएगा तुम्हारा, बल्कि एफ मैं अभी ऐसा नहीं लिखना चाहिए ना इसके बारे में, मुझे लिखना चाहिए एफ मिनिमम माइनस सिक्स बाय थ्री। तो यहाँ से एफ मिनिमम विल बी इक्वल टू सिक्स न्यूटन। तो ये पहले पार्ट का मेरे पास आंसर बना, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आया कि भाई एफ की वो मिनिमम वैल्यू बताइए जिस पे ये सिस्टम, या तो ये पूरा सिस्टम जस्ट चलने की कंडीशन में आ जाए या कहीं पे भी स्लिपिंग हो जाए, ठीक है। तो वो आ गया तुम्हारे पास 6 न्यूटन। अब 6 न्यूटन से जब तुम और बड़ा फोर्स लगाओगे ना, तब जाके कहीं इनमें कुछ स्लिपिंग की कंडीशन आएगी, समझ गया मेरी बात। तो चलिए एक पार्ट तो हो गया, अभी मैं बात करता हूँ। देखो अगर अब मैं निकालता हूँ कि स्लिपिंग कहाँ कहाँ होगी, तो देखिए ये तो अंडरस्टूड है कि अगर मैं फोर्स को बढ़ाता चला जाऊं तो यहाँ पे भी स्लिपिंग होगी ए और बी के बीच में भी, और बढ़ाता चला जाऊं आगे तो बी और सी के बीच में भी हो जाएगी। अब क्वेश्चन इस बात का है कि सर ठीक है फोर्स को आप बढ़ाते चले जाइए तो ए और बी ब्लॉक के बीच में भी स्लिपिंग होगी और बी और सी के बीच में भी एक टाइम पे स्लिपिंग हो जाएगी, नीचे तो हो ही रही होगी स्लिपिंग, क्यों, क्योंकि भैया अब हमें 6 से बड़ा फोर्स पे काम करना है तो नीचे तो स्लिपिंग हो ही रही होगी, नो डाउट, है ना। तो मैं क्या कह रहा था आपसे, अगर मैं इसको और बढ़ाऊंगा तो ए बी ब्लॉक के रिलेटिव सरफेस जो है यहाँ स्लिपिंग होगी, बी सी ब्लॉक का जो रिलेटिव सरफेस है यहाँ पे भी स्लिपिंग होगी, नो डाउट, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन इज दिस, पहले कहाँ शुरू होगी स्लिपिंग, ए और बी के बीच में स्लिपिंग शुरू होगी पहले या बी और सी के बीच में पहले स्लिपिंग शुरू होगी, है ना। तो अब जरा क्वेश्चन का दूसरा पार्ट सुनिएगा, कितना बढ़िया पूछा गया आपसे, फाइंड द वैल्यूज ऑफ फोर्स When the slipping starts, find the values of force. क्यों संदीप, छोड़ो इतनी देर में हम बना देंगे फिर दोबारा से।
तो चलो खैर दूसरा पार्ट हम लोग करते हैं इसका चल के। अब मेरे पास सिस्टम के नाम पे वही ब्लॉक्स हैं तीनों, बहुत जबरदस्त सवाल है ये, बहुत बढ़िया सवाल है। 1 kg, 1 kg, 1 kg, और इनके नाम भी थे रिस्पेक्टिवली ए बी और सी, और साथ ही साथ हमको म्यू की वैल्यूज़ भी पता थी। इधर 0.1, 0.4, 0.2 फिगर यार दोबारा मुझे बनानी पड़ रही है। म्यू यहाँ पे है 0.1, म्यू यहाँ पे है 0.4, म्यू यहाँ पे है 0.2, ठीक है, यही है ना, 0.1, 0.4, 0.2, राइट, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने आपको फ्रिक्शंस के डायरेक्शन दिए है ना, यहाँ मैंने आपको फ्रिक्शन के डायरेक्शन दिए। आपको मैंने बताया जो F1 होगा वो ऐसे लगेगा, फिर एक F1 ऐसे आया, ठीक है, फिर इधर बैक में लगा F2, फिर इधर आया F2, और यहाँ बैक साइड आ गया F3, ठीक है ना। उल्टा ले लिया क्या मैंने, क्योंकि मैं वही मानूंगा। अच्छा F1 नीचे, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, तो ये हो गया F1 और ये हो गया F3, और इसी तरह ये हो जाएगा F3। अभी ठीक है, पुरानी वाली फिगर में F1, अच्छा ये F2 और ये F3 का पेयर, राइट, ठीक है, ये चीज़ आपको दिखाई थी। साथ ही साथ आपको इनकी लिमिटिंग वैल्यूज़ भी मैंने दिया, ठीक है, देखते हैं, आपको मैंने इसकी लिमिटिंग वैल्यूज़ भी दिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमसे पूछा क्या है ये पहले सुनो, हमसे पूछा ये है सेकेंड पार्ट में इसके, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एफ व्हेन स्लिपिंग स्टार्ट्स, मतलब आपको एफ बताना है व्हेन स्लिपिंग स्टार्ट्स, इसके ए पार्ट में कौन से सरफेस पे, बिटवीन बी एंड सी, और पहले में कहता है बिटवीन ए एंड बी और दूसरे में कहता है बिटवीन बी एंड सी, यानी स्टार्ट्स बिटवीन ए एंड बी, और बी में कहता है बिटवीन बी एंड सी, राइट। तो ये हमसे कहा गया है कि एक बार एफ को सर आप फिर से कैलकुलेट करिए, लेकिन इस बार हमको जो हमारे कॉन्टैक्ट सरफेसेस हैं ए और बी के बीच वाला या बी और सी के बीच वाला, यहाँ पे स्लिपिंग करवानी, तो कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा, मिनिमम वैल्यू चाहिए नो डाउट, ठीक है। तो एक बात मुझे बताइए, बात यह है जिस भी फोर्स में स्लिपिंग होने वाली होगी, समझना बहुत ध्यान से सुनना क्या बोलने जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जिस भी सरफेस में, मतलब चाहे वो ए बी के बीच का सरफेस हो चाहे वो बी सी के बीच का सरफेस हो, तो जिस भी सरफेस में स्लिपिंग होने वाली होगी, ठीक है, वहां पे लिमिटिंग फ्रिक्शन काम करने लगा होगा, ये तो मानते हो ना, वहां पे लिमिटिंग फ्रिक्शन काम करने लगा होगा। और लिमिटिंग फ्रिक्शन आपको मैं दिखा चुका हूं पहले ही सॉल्व करके, और यहां मैं डायरेक्टली अब लिख देता हूं क्योंकि पहले मैंने सॉल्व किया हुआ था, तो F3 की लिमिटिंग वैल्यू हमको मिल जाएगी 1g, तो ये हो गया 1 न्यूटन। F2 की लिमिटिंग वैल्यू हम लोगों ने ली थी 2 × 4, दिस इज 8 न्यूटन, और इसी तरह F3 की हमने लिमिटिंग वैल्यू उठाई थी, ये F2L है और ये F3L है और ये स्मॉल f है, ठीक है। F3L इसकी लिमिटिंग वैल्यू उठाई थी, नहीं 2 हो गया, 3 के बाद तो 1 लिखना चाहिए मुझे, F3 हो गया 1, F2 हो गया दिस, और तुम्हारा F1 की लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी 3 3 2 जा, ये मैं कर चुका था काम, ठीक है। अब अगले केस की तरफ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, देखिए मुझे अगर यहाँ पे स्लिपिंग चेक करानी है तो यहाँ पे मुझे कौन सा फ्रिक्शन मानना पड़ेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगर मुझे यहाँ पे स्लिपिंग चेक करानी है
तो मुझे इस सरफेस के लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन मानना पड़ेगा। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, बात को समझिएगा, अब मैं चेक करने जा रहा हूँ बी और सी के बीच में स्लिपिंग की कंडीशन, ध्यान से समझना। आप कहोगे नहीं सर, पहले पार्ट में पूछा गया है ए और बी के बीच में स्लिपिंग, और आप सर पहले सॉल्व करने जा रहे हो बी और सी के बीच में स्लिपिंग, सर इसके पीछे कोई खास बात है या ऐसे ही आपकी मर्जी है, ध्यान से समझिएगा। मैंने आपसे क्या कहा, पहले पार्ट में पूछा गया है स्लिपिंग की कंडीशन बतानी है, एफ की वैल्यू, देखो एफ लगाया ही नहीं अभी, एफ तो लगाया ही नहीं, वाह भैया एफ ये था, ठीक। हाँ मैं क्या कह रहा हूं आपसे, पहले पार्ट में पूछा गया है हमसे कंडीशन बताइए स्लिपिंग की ए और बी के बीच में, और मैं कंडीशन सॉल्व करने जा रहा हूं बी और सी के बीच में, ठीक है। आप कहोगे सर ऐसा क्यों, मतलब क्या ये जरूरी है, हम कहेंगे हाँ थोड़ा सा एक आइडिया लगेगा, बताऊं क्या, जब मैं बी और सी के बीच की स्लिपिंग निकालूंगा, समझिएगा ध्यान से सुनना, जब मैं स्लिपिंग कंडीशन निकालूंगा बी और सी के बीच में, तो नो डाउट मैं इस वाले एफ टू को ले लूंगा लिमिटिंग वैल्यू के बराबर, ले लूंगा ना, जब मैं स्लिपिंग कंडीशन निकालूंगा बी और सी के बीच में, तो मैं इस वाले सरफेस पे लगने वाला फ्रिक्शन जो एफ टू मिल रहा है मुझे, मैं उसको ले लूंगा लिमिटिंग के बराबर। और बाय द वे ये एफ टू इधर है तो इस ब्लॉक पे नहीं लग रहा होगा, वो नीचे के ब्लॉक पे लग रहा होगा, वो धोखे से एरो मैंने ऊपर बना दिया है, तो मैं इस एरो को सुधार दे रहा हूं, मैं इस एरो को थोड़ा सा सुधार दे रहा हूं, नई चीजें अभी हौच पौच में गड़बड़ाएंगी, ये लगा है, ठीक है ना, अरे इसका रिएक्शन होगा ना, नीचे काम कर रहा है, तो मेरी बात आप सुन रहे हो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं, मुझे निकालना है स्लिपिंग की कंडीशन के लिए फोर्स ए और बी के बीच में, लेकिन मैं कंडीशन डाल रहा हूं सी और बी और सी के बीच में, ऐसा इसलिए क्योंकि मैं इसकी स्लिपिंग मान के चलूंगा कि रिलेटिवली होने वाली है, तो मैं यहाँ का फ्रिक्शन लिमिटिंग डालूंगा, और इस फ्रिक्शन और जो भी एक्सेलरेशन आएगा उसकी हेल्प से मैं यहाँ वाले सरफेस पे लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स यानी एफ थ्री सॉल्व करूंगा। वर्किंग समझ लीजिए क्या करने जा रहा हूँ मैं करने जा रहा हूँ, मुझसे कहा गया कि ए और बी के बीच में स्लिपिंग करवानी है, उसके लिए मिनिमम फोर्स बताइए, मैंने कहा ठीक है, मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा मैं बी और सी के बीच में कंडीशन डालता हूँ स्लिपिंग की, और जब मैं यहाँ स्लिपिंग की कंडीशन डालूंगा तो ये वाला जो फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन का F2, ये लिमिटिंग वैल्यू को फॉलो कर ले जाएगा, ठीक है ना, ये लिमिटिंग वैल्यू को फॉलो कर ले जाएगा, तो कोई ना कोई एक्सेलरेशन अभी भी निकलेगा सिस्टम का, जो भी एक्सेलरेशन आया, बात को समझिएगा ध्यान से, जो भी एक्सेलरेशन आया उसको और ये F2 की मैक्सिमम वैल्यू को यूज करते हुए मैं फ्रिक्शन की वैल्यू F3 सॉल्व करूंगा। और अगर F3 वन न्यूटन से छोटा होता है या वन न्यूटन के बराबर आता है तो मैं कह दूंगा दोनों साथ ही साथ चलेंगे हमेशा, और अगर F3 वन से बड़ा आ गया तो मैं कह दूंगा कि ये पहले स्लिप कर जाएगा, इसका लिमिटिंग बाद में पहुंचेगा। आप मेरी बात समझ गए, इसमें लिमिटिंग लगा के यहां फ्रिक्शन निकालूंगा, अगर वो वन से बड़ा आया तो मैं कह दूंगा यहां स्लिपिंग शुरू हो चुकी है, ठीक। तो पहले स्लिपिंग कहां आनी है इस बात को पहले आपको जज करना पड़ेगा, राइट। तो चलिए मैं आपको इक्वेशन देता हूं और मैं स्लिपिंग की कंडीशन लगा रहा हूं फॉर बी एंड सी, तो मैं स्लिपिंग कंडीशन लगा रहा हूं फॉर बी एंड सी, कंडीशन फॉर स्लिपिंग फॉर बी एंड सी, राइट, स्लिपिंग की कंडीशन लगा दी मैंने फॉर बी एंड सी। अब जब बी और सी के बीच में आप स्लिपिंग की कंडीशन लगा रहे हो, ध्यान देना, तो मैं सबसे पहले बी की ही इक्वेशन बनाए दे रहा हूं, एफ बी की ही मैं यहां पे इक्वेशन बनाए दे रहा हूं, ठीक है। और बच्चों एक बात बताओ, जब मैं एफ बी की इक्वेशन बनाऊंगा तो एफ का फोर्स राइट साइड दिखाऊंगा और बाकी दोनों लेफ्ट साइड दिखा के एक एक्सेलरेशन डाल दूंगा। अभी भी तीनों को साथ ही साथ चलाना है क्योंकि हमें तो स्लिपिंग की कंडीशन निकालनी है ना रिलेटिवली, और जब तक स्लिपिंग होगा नहीं तब तक तो तीनों साथ ही साथ चल रहे होंगे। तो यहाँ पे चाहे मैं ए के एफ बी डी बनाऊँ, चाहे मैं बी के एफ बी डी बनाऊँ, चाहे मैं सी के एफ बी डी बनाऊँ, यहाँ पे एक्सेलरेशन तीनों का सेम दिखाना पड़ेगा आपको, क्योंकि अभी तक स्लिपिंग कहीं हुई नहीं है, अभी तक स्लिपिंग किसी भी रिलेटिव सरफेस में हुई नहीं है, ठीक है ना। तो अभी भी आपको एक्सेलरेशन ए ही दिखाना पड़ेगा, हालांकि वो
पिछले बार से कुछ अलग होगा, वो एक अलग बात है। देखिए, फॉर ब्लॉक बी, छोटा छोटा ऐसे ही लिख देता हूं मैं, बी के लिए जब आप इक्वेशन बनाओगे तो आप लिखोगे एफ माइनस एफ टू की लिमिटिंग वैल्यू, बिकॉज इस सरफेस की स्लिपिंग कंडीशन चेक कर रहा हूं, एफ माइनस एफ टू की लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है? तो एफ माइनस एफ टू एल, राइट बच्चों? और इसकी जनरल वैल्यू माइनस एफ थ्री इज इक्वल टू वन इंटू ए। इक्वेशन समझ में आई? इक्वेशन समझ में आई, ठीक है ना? सीधा सीधा है, राइट फोर्स माइनस लेफ्ट फोर्स इज इक्वल टू एम ए, बट मैंने क्या किया, ये सरफेस की स्लिपिंग की कंडीशन देख रहा था तो यहां इसकी लिमिटिंग वैल्यू यूज करी और बी वाले ब्लॉक की इक्वेशन ये आती। इसके बाद अब बात करता हूं ए वाले ब्लॉक की। अब ए वाला तो बहुत सिंपल है, ए से पूछो भाई ड्राइविंग फोर्स कौन है तुम्हारे अंदर, कहेगा एफ थ्री है, बिल्कुल ए की तो फोर्स लग रहा है। तो आप लिखोगे F3 is equal to 1 into A। ये हो गई तुम्हारे पास ब्लॉक A के लिए इक्वेशन। और सुनो, C ब्लॉक के लिए इक्वेशन आओ, ब्लॉक C के लिए इक्वेशन बनाओ। ब्लॉक C के लिए इक्वेशन बनाओ, क्या करोगे भाई ब्लॉक C के लिए? देखना, ब्लॉक C को आगे ले जाएगा F2, जिसकी कि आप लिमिटिंग वैल्यू यूज करोगे इस सरफेस की वजह से। तो एफ टू एल माइनस एफ वन, आप लिखोगे एफ टू एल माइनस एफ वन इज इक्वल टू वन इंटू ए। बच्चों ईमानदारी से एक बात बता दो, क्या ये तीनों इक्वेशन जो मैंने बनाई हैं इस सरफेस की स्लिपिंग चेक कराने के लिए, क्या आपको समझ में आई? पूरी ईमानदारी बरतिएगा अपने साथ और मेरे साथ। ना आई हो आप मुझसे अभी का अभी क्लियर कर लो, क्योंकि मैं खुद कह रहा हूं आसान नहीं है ये, आसान नहीं है ये। हाँ अब बात आई ना सर, प्लीज रिपीट। देखिए मैंने क्या किया, मुझे पूछा गया था कि फोर्स की वैल्यू बताओ ताकि स्लिपिंग की शुरुआत कर सकूं मैं दोनों रिलेटिव सरफेसेस पर। एक हो गया बिटवीन ए एंड बी यानी कि ये वाला, और एक हो गया बिटवीन बी एंड सी यानी कि ये वाला। तो मैंने एक खेल खेला यहाँ पे, इस सवाल के साथ मैं खेल गया, ऐसे मान लो। क्या खेल गया मैं? मैंने कहा अच्छा बेटा ए और बी के बीच में स्लिपिंग की कंडीशन हमको निकालनी है, मैं डायरेक्टली ए बी तक जाऊँगा ही नहीं, मैं जाऊँगा बी और सी के बीच में। हमसे पूछा गया ऐसा क्यों, हमने कहा कि देखो भाई मैं बी और सी के बीच में जाऊँगा और यहाँ पर मैं बोलूँगा कि मैं यहाँ पर स्लिपिंग को जस्ट शुरू करा रहा हूँ, तो यहां पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो लगेगी लिमिटिंग। हाँ मैं यहां से आपको समझा रहा था कि मैं क्या कर रहा था, इधर मैं इधर कर रहा था कि अगर मुझे ऊपर की कंडीशन निकालनी है तो मैं इस सरफेस पे वर्क कर रहा था, ठीक है? यहां का मैं लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू डाल रहा हूं और लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्सेलरेशन जो भी सॉल्व होगा उसकी हेल्प से मैं F3 सॉल्व कर ले जाऊंगा। अगर F3 1 से बड़ा आया तो मैं कह दूंगा भाई स्लिपिंग हो चुकी पहले ही यहाँ पे। क्यों? क्योंकि F3 अपनी लिमिटिंग वैल्यू को थोड़ी ना क्रॉस कर चुका है, क्रॉस कर सकता है, समझ गए ना? F3 सॉल्व करेंगे, F3 अगर अपनी लिमिटिंग को क्रॉस कर गया मतलब मैं कह दूंगा केस इज नॉट पॉसिबल, यहाँ की स्लिपिंग होने के पहले ही ये स्लिप कर चुका है। और अगर F3 1 से छोटा आ गया या 1 के बराबर आ गया तो मैं कह दूंगा भाई इधर स्लिपिंग हो जाएगी पहले। ये है, इतना सा कॉन्सेप्ट है लेकिन टेढ़ी चीज है, इसलिए समझते रहिएगा दिमाग लगा के, ठीक है? ओके संदीप, वॉइस लैग कर रही है मेरी। हाँ बच्चे बता रहे हैं बेटा वॉइस लैग हो रही है क्या? नहीं 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 नहीं, एक ने लिखा नहीं नहीं। हाँ कुछ कह रहे हैं यस, कुछ कह रहे हैं नहीं। बेटा इट मे पॉसिबल कि आपका शायद नेट में दिक्कत हो, वैसे अभी मैंने इनको दौड़ाया है, ठीक है? ये भी हो सकता है यहाँ का इंटरनेट कनेक्शन चेंज कर दें तो आप परेशान ना होइएगा, ठीक है? चलते रहने दो फिलहाल अभी।
क्योंकि ये सवाल काफ़ी टाइम खाने वाला है, मुझे पता है, क्योंकि इट्स अ वेरी टफ क्वेश्चन और बहुत स्पेशल टाइप का सवाल दिया था आपको मैंने। बाय द वे, आप मेरा पर्पस समझ गए कि मैं कैलकुलेशन से क्या निकालने वाला हूँ। तो ये तीन इक्वेशन है। अब देखो यार, मैं यहाँ पे सॉल्विंग नहीं करूँगा, मैं आपको वैल्यूज़ दे दे रहा हूँ सीधे कि किसकी क्या आने वाली है, ठीक है? तो उससे टाइम बचेगा भाई थोड़ा हमारा भी, और आपका भी, आप भी बोर नहीं होगे। नहीं ऐसे क्या है ना, मैं सॉल्व करता रहूँगा यार, कोई मतलब नहीं उस बात का। तो एक्सेलरेशन सॉल्व होके आएगा 2 मीटर पर सेकेंड, समझिएगा। यहाँ से तीन इन्फॉर्मेशंस आपके लिए सॉल्व होके बाहर आने वाली हैं। एक्सेलरेशन निकल के आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एफ निकल के आएगा 12 न्यूटन, समझते जाना। एफ निकल के आ जाएगा तुम्हारे पास में 12 न्यूटन, और F3, ये मज़ा आ गया इसको देख के, F3 क्या बात है, 2 न्यूटन। अब ये 2 न्यूटन देख के आपको क्या लगा, ये 2 न्यूटन देख के आपको क्या लगा? आप कहोगे अरे सर 2 न्यूटन पहुंच ही नहीं सकता F3 तो यहाँ तक। मैंने कहा क्यों? आप कहोगे सर F3 की वैल्यू मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू 1 न्यूटन है, और सर यहाँ पे 2 न्यूटन आ रहा है, इसका मतलब बात ये कि अगर आप ये सोच रहे हो कि पहले ये स्लिप करेगा तो आप गलत सोच रहे हो, पहले ऊपर वाला ब्लॉक स्लिप कर जाएगा। मेरी बात समझ गए? क्योंकि इसकी लिमिटिंग कंडीशन ऑफ स्लिपिंग के लिए जब मैं वर्कआउट कर रहा था तो यहां पे फ्रिक्शन सॉल्व होके आता है 2 न्यूटन, जो मुझे इस बात का पूरी तरह ज्ञान दे रहा है, और मेरे ज्ञान चक्षु उसने खोल दिए, और मेरी आत्मा में एक बात चली गई कि इस वाले सरफेस से पहले ये वाला सरफेस स्लिप करेगा। समझ गए बात को? बहुत ध्यान से समझिएगा, कोई कंफ्यूजन हो मुझे बताइएगा जरूर। अबे कितनी बार रिपीट कराएगा तू आशुतोष शर्मा, मुन्ना बेटा बहुआ, कितनी बार रिपीट करा तो था रिपीट, अभी रिपीट पूरा सवाल थोड़ी मैं यहां से करूंगा। आप पूरा सवाल या रिपीट कराओगे तो फिर ब्लॉक सी की क्वेश्चन नहीं आई। अबे सी के लिए अभी हमने काम कहाँ किया, काहे परेशान? सी की क्वेश्चन ये बनाई तो थी F2L-F1। F1 हमको पता है काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, तो F1 की कौन सी वैल्यू हमने यहाँ पे यूज़ करी है? F1 की वैल्यू हमने यहाँ पे यूज़ करी है यही वाली, कहाँ गई? लिमिटिंग वाली, क्योंकि ये चल तो रहा ही है भाई। एक्सेलरेशन आ गया, तीनों ब्लॉक में ए माना, एक्सेलरेशन 2 आ गया, इसका मतलब ये सारे साथ साथ चल रहे थे ना, तो स्लिपिंग तो यहाँ पे हो ही रही होगी नीचे वाले ब्लॉक में ऐसे, तो ये तो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा ना, और इसकी वैल्यू 6 न्यूटन इस्तेमाल करोगे आप, तो F1 की वैल्यू 6 न्यूटन लगा दी। F2L की लिमिटिंग ही लेनी है तुमको, तो ये तो पता ही है यहाँ से सीधे सीधे क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन तुम्हारा। F2L है 8, ठीक है, F2L है 8, ये देखिए ये पड़ा हुआ यहाँ पे, ये आया यहाँ पे 8, अबे सीधा सॉल्व है वो। और F1L ये आया, F1 जो लगाया था कहाँ गया, ये वाला, ये आ जाएगा तुम्हारा समझ में इतना। ABC वाली क्वेश्चन रिपीट कर दें, अच्छा ठीक है बेटा रिपीट करते हैं, ये वाली क्वेश्चन की बात कर रहे हो ना रोनित आप? तो यार बड़ी सिंपल सी है, तुम देखो ना इधर, ये बी वाला ब्लॉक है जिसकी क्वेश्चन सबसे पहले लिख दी मैंने, बी वाला ब्लॉक है, एफ कहाँ लग रहा है, राइट साइड, F2 और F3 लग रहा है लेफ्ट साइड, और मुझे इस वाले सरफेस में स्लिपिंग कंडीशन देखनी है, तो F2 की मैं लिमिटिंग वैल्यू उठाऊंगा, समझ गया ना, F2 की मैं लिमिटिंग वैल्यू उठाऊंगा, तो F-F2L-F3 = 1A। इसके बाद ए वाले की क्वेश्चन लिख दी, ए वाले को चलाने वाला केवल F3 है, तो F3 विल बी इक्वल टू 1 into A, A मतलब वही सिस्टम का एक्सेलरेशन, तो F3 कहाँ गया, A वाला ये आया, A वाला F3 इज इक्वल टू 1 into A, ठीक है। इसके बाद C वाली क्वेश्चन डाली मैंने, C को आगे कौन ले जा रहा है, F2, पीछे रोक कौन रहा है, F1, और ये F1 का मतलब क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन है, क्योंकि आप 6 न्यूटन से आगे बढ़ चुके हो, तो ये स्लिपिंग हो रही होगी, तो ये इस समय काइनेटिक फ्रिक्शन का काम कर रहा होगा, जिसकी वैल्यू तुमको ये रखनी है। इसी वजह से मैंने F1 की जगह यूज़ कर दिया उठा के, F1L, F2L हो गया तुम्हारा यहाँ से 8, F1L हो गया तुम्हारा 6, समझ गए, इज इक्वल टू 1 into A, तो A कितना आ गया 2 न्यूटन, बाकी तो सॉल्व होते चले जाएंगे, ठीक।
समझ गया, और जैसे ही A2 न्यूटन आया तुमने यहाँ रख दिया तो F3 कितना आ गया, F3 आ गया 2 न्यूटन, F3 सॉल्व हो गया, यहाँ F3 2 रख दिया, ये रख दिया तुमने 8, बाकी आप समझदार हो यार, छोटी छोटी बातें हैं, है ना। चलिए इतना क्लियर है, इतना क्लियर है यहाँ तक, ठीक। अब मैं इसके आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, अब मैं इसके आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए क्या हुआ, हमको इतनी बात तो समझ में आ गई कि भाई जो हमारा F सॉल्व हुआ है 12 न्यूटन, 12 पहुंचने के पहले ही, अब जरा जीरो से कहानी फिर से सुनिएगा, इस F को मैं इंक्रीज करने लगा, जैसे ही 6 न्यूटन पहुंचा ये कंबाइंड सिस्टम चलने वाला था, कहानी आगे बदलेगी लेकिन अभी फिलहाल सुन लो, जैसे ही 6 न्यूटन पहुंचा ये कंबाइंड सिस्टम चलने वाला था। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 6 से आगे मैंने बढ़ा दिया, 6 से आगे मैंने बढ़ाया, एक फोर्स ऐसा मिलेगा मान लो 12 न्यूटन, मैंने कहा मान लो ठीक है क्योंकि 12 के पहले स्लिप करेगा ये, एक फोर्स ऐसा मिलेगा जिसमें मैं देखूंगा कि स्लिपिंग पहले यहाँ पे शुरू हो चुकी थी, ये दोनों अभी भी साथ साथ चल रहे थे, समझ गए ना। 6 न्यूटन से कुछ आगे अगर मैं बढ़ाऊंगा फोर्स को तो मुझे एक वैल्यू ऑफ फोर्स ऐसा मिलेगा जिसमें AB, मैं कह सकता हूं कि AB स्लिप करने लगा है और BC में अभी भी कंबाइंड मोशन हो रहा है, ठीक है। बात इतनी समझ में आई। अब मुझे जब ये पता चल गया है कि AB में स्लिपिंग होने लगी है तो अब मैं डायरेक्टली एक काम करने वाला हूं, AB की मैं स्लिपिंग चेक करूंगा कि कितने फोर्स पर हो रही है, ठीक है। अब मैं AB की स्लिपिंग चेक करूंगा कितने फोर्स पे होने वाली है, क्योंकि देखो इतना तय है, इतना तय है कि 12 न्यूटन से किसी कम फोर्स की वैल्यू पे, मतलब ये 12 नहीं पहुंचेगा, 12 से कोई छोटा फोर्स होगा जिस पर ये जस्ट स्लिप करने वाला होगा और ये दोनों कंबाइंडली चल रहे होंगे। अब मेरी बात सुनिएगा क्या बोल गया मैं, मैंने कहा 12 न्यूटन से कोई छोटा फोर्स ऐसा होगा जिस पर यहाँ स्लिपिंग जस्ट शुरू होने वाली, मतलब हुई नहीं, जस्ट शुरू होने वाली, मतलब ये लिमिटिंग वैल्यू का काम कर रहा होगा, राइट, और ये दोनों साथ साथ चल रहे होंगे। अब इसमें क्या बात छिपी हुई है पता है, मैं कह रहा हूँ इस सरफेस में स्लिपिंग जस्ट शुरू होने वाली है और ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं, इसका मतलब तीनों ही साथ साथ चल रहे हैं ना, यानी फिर से एक बार कंबाइंड एक्सेलरेशन डील करना पड़ेगा और उस समय स्लिपिंग कहाँ हो रही है, केवल नीचे, सिस्टम एक साथ आगे जा रहा होगा। अब मैं बात करने वाला हूं आपसे स्लिपिंग कंडीशन बिटवीन A और B, ठीक है, अभी कुछ नया कमेंट नहीं आया, अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं स्लिपिंग कंडीशन बिटवीन A और B। ठीक, अब जब मैं ए और बी के बीच में स्लिपिंग कंडीशन डायरेक्टली देख रहा हूं तो नो डाउट मैं ए और बी के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स इसको लिमिटिंग वैल्यू के साथ इंट्रोड्यूस करूंगा। सबसे पहले जैसे यहां मैंने बी की इक्वेशन बनाई थी, अब भी मैं बी को ही पहले लॉन्च करूंगा। आप कहोगे ऐसा क्यों सर, मेरी मर्जी, सीधा आंसर मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं मैं चाहे वो करूं। तो देखो एफ, देखना बेटा ध्यान से, आप स्लिपिंग कंडीशन आ रही है ए और बी के बीच में, यानी यहाँ पे तो लिमिटिंग वैल्यू आएगी F3 की, तो F माइनस F2 माइनस F3L, समझ गए, इज इक्वल टू 1 × A, वो A कुछ अलग होगा, F माइनस F2 माइनस F3 लिमिटिंग इज इक्वल टू 1 × A, और ये किसके लिए थी, ये थी ब्लॉक बी के लिए, ये बी लिखा मैंने छोटा सा इधर क्योंकि इधर मैं इंडिकेट करना भूल गया था, ठीक है। आइए और आगे बात करते हैं, बी के हो गए, बी के बाद बनाई थी ए की इक्वेशन, ए तो बहुत सिंपल है, ए क्यों चल रहा है, F3 की वजह से, लेकिन F3 की कौन सी वैल्यू ले रहे हो, लिमिटिंग वाली। तो अब आप ए की इक्वेशन जब बनाओगे तो सीधे सीधे लिखो F3L इज इक्वल टू 1 × A, ठीक है, F3L इज इक्वल टू 1 × A, ये हो गई तुम्हारी दूसरी इक्वेशन। नाउ इक्वेशन नंबर थर्ड,
इक्वेशन थर्ड में एफ टू लोगे ही लोगे, थर्ड मतलब सी के लिए। तो अभी जब मैं सी की बात आपसे करूंगा तो देखिएगा ड्राइविंग फोर्स हो गया एफ टू, जो कि कॉमन लग रहा था एफ टू, कोई बात नहीं। ये और ये वाला लगा काइनेटिक, समझ गए ना, पूरा सिस्टम तो आगे ही जा रहा था, हम तो म्यूचुअल स्लिपिंग की डीलिंग कर रहे हैं, सिस्टम तो आगे ही जा रहा था। तो ये कौन सा लगा काइनेटिक, काइनेटिक मतलब एफ वन एल, तो एफ टू माइनस एफ वन एल इज इक्वल टू वन इंटू ए। बच्चों फिर से बताओ मुझे, क्या अब ये तीनों इक्वेशन एक बार में आपको समझ में आई है? टू बी वेरी ऑनेस्टली एंड वेरी फ्रेंकली मुझे आंसर करिएगा, नहीं आई इक्वेशन समझ में, साफ कहिए सर नहीं समझ में आई, मैं बार बार बताऊंगा। ठीक है, चलिए तो यहां तक हम लोग चले आए। अब इसको जब तीनों को सॉल्व किया गया, अच्छा अभी ज्ञान तुम्हें दिक्कत है, ठीक कौन सी इक्वेशन में दिक्कत है, बी ए या सी या तीनों, सी वाले में? ठीक देखो सी वाले में क्या हुआ, जब आप ब्लॉक सी को देखो, ये रहा सी वाला ब्लॉक, जब आप सी को देखो तो क्या देखोगे, दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक F2 और एक F1, और ये F1 जो है ना ये F1L का काम कर रहा है, बिकॉज ये काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर लेना है हमको। ठीक है, इसके FBD बनाओ, राइट साइड में ड्राइविंग फोर्स लग रहा है F2 माइनस बैक वाला फोर्स, तो F2 माइनस पीछे वाला फोर्स इज इक्वल टू MA, M कितना है 1A, अब बताओ, अब ठीक है, कोई डाउट अभिज्ञान गोयल? हाँ ठीक ओके, अभी मैंने जो यहाँ पे एक्स्ट्रा काम कर दिया उसको मैं हटाऊंगा, हो गया था, तो ये आ गया। अभी यहाँ से मेरे पास वैल्यूज पड़ी हैं, वो मैं लिखता हूँ, ए आएगा 1, एफ टू आएगा 7, एफ आएगा 9, क्या बात है, क्या बात है, ए आएगा 1, F2 आएगा 7, F2 आएगा 7 न्यूटन और F आएगा 9 न्यूटन। ठीक है, अब यहां से तुमको क्या बात सीखने को मिली, यहां से तुमको क्या बात सीखने को मिली मालूम है? सुनो कहानी फिर से, इसको जीरो से बढ़ाया मैंने, सुनिएगा बेटा ध्यान से, इसको जीरो से बढ़ाया मैंने, राइट, जीरो से बढ़ाया, जैसे ही 6 न्यूटन पहुंचा, भाई पहले आप याद करो 6 न्यूटन पे हम लोग लिमिटिंग कंडीशन पर आ गए थे, ये लिखा हुआ है ना, तो जीरो से बढ़ते बढ़ते जैसे ही 6 न्यूटन हुआ, सिस्टम अचानक से बोल पड़ा, सर मैं जस्ट चलने वाला हूं। मैंने कहा ठीक, तो यहां क्या लिमिटिंग लगेगा नीचे, कहता है सिस्टम आपसे, यस सर बॉटम सरफेस पर लिमिटिंग लगेगा। मैंने कहा ठीक, तो 6 न्यूटन जैसे पहुंचा ये एफ, तो यहां लिमिटिंग फ्रिक्शन लगने लगा, यानी कि एफ वन एल लगने लगा, ये 6 न्यूटन वाला। उसके बाद क्या हुआ, 6 से जैसे ही बढ़ाया सिस्टम एक साथ चलने लगा, सिस्टम एक साथ चलने लगा तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा था वो काइनेटिक में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, बढ़ता गया फोर्स, धीरे धीरे बढ़ता गया, अभी भी तीनों साथ साथ चल रहे हैं। जैसे ही ये 9 न्यूटन आया, जैसे ही ये 9 न्यूटन आया, कौन सा फोर्स, ये वाला फोर्स, जैसे ही 9 न्यूटन आया, 9 न्यूटन के पहले तक ये तीनों ब्लॉक हम साथ साथ हैं का गाना गाते हुए चल रहे थे। जैसे ही 9 न्यूटन आया, ए और बी चिल्लाने लगे, सर बढ़ाइएगा नहीं फोर्स, नहीं हम लोग अलग अलग होने लगेंगे। 9 न्यूटन पे ए और बी आपसे बोलने लगे कि सर फोर्स मत बढ़ाइएगा, नहीं हम लोग अलग अलग होने लगेंगे, हमारे बीच में स्लिपिंग होने लगेगी। सर मैं कहां मानने वाला था, मैं 9 न्यूटन पे जैसे ही लेकर आया तुरंत इनकी आवाज सुनी और ये आपस में कह रहे थे कि 9 न्यूटन पे हम आपस में स्लिप करने वाले हैं, तो इसका मतलब यहां लिमिटिंग फ्रिक्शन लगने लगा होगा। 9 से जैसे ही हल्का सा फोर्स बढ़ाया, यहां रिलेटिव स्लिपिंग शुरू हो गई थी, लेकिन ये दोनों अभी भी हम साथ साथ हैं का गाना गाते हुए चल रहे थे। ठीक, उसके बाद मैं फोर्स अभी और आगे बढ़ाता जा रहा हूं, और अब मुझे ये चेक करना है कि यहां
पे रिलेटिव स्लिपिंग कब शुरू होगी। ठीक है, आप कहोगे सर अभी तो निकाला था, ये 12 न्यूटन, ये देखिए सर 12 न्यूटन पे माना था। अरे 12 न्यूटन पे माना था, लेकिन उस समय तो इसको साथ साथ लेके चल रहे थे ना, जो कि पॉसिबल नहीं हुआ था। तो इसलिए एक बार यहां के लिए आपको फिर से आना पड़ेगा। और सुनिए कमाल की बात, जब आप इस सरफेस पर स्लिपिंग निकालोगे ना, तो ऑब्वियस सी बात है आप 9 न्यूटन से आगे के फोर्स पे डील करोगे, और 9 न्यूटन से आगे का जैसे ही फोर्स लगाओगे तो यहां स्लिपिंग हो चुकी होगी। तो इसका यानी कि ए वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन कुछ अलग दिखाओगे बाकी के दोनों से। मेरी बात समझ में आई? चलो मैं करके दिखाता हूं, तो देखना। ठीक है भैया, एक बार फिर से मुझे इन तीनों ब्लॉक्स की फिगर बनानी पड़ेगी। आप देख रहे हो कितनी मेहनत लग रही है इस सवाल में। मेहनत वाला है भी यार ये सवाल, मतलब लेकिन ये है कि अगर आप सीख गए टेक्निक्स कि इस तरह के सवालों को आपको डील कैसे करना है, तो भविष्य में फ्रिक्शन का कितना भी कठिन सवाल आ जाए आप गलत नहीं करोगे। ये मेरा चैलेंज है, 0.1, 0.4 और 0.2। म्यू इज इक्वल टू 0.1, म्यू इज इक्वल टू 0.4, म्यू इज इक्वल टू 0.2। ठीक है, साथ ही साथ एक ये फोर्स लग रहा था। ठीक है, अच्छा इतना करने के बाद सबसे नीचे वाला F1 है बस, तो ऊपर वाला F3, इस पे फोर्स लगा तो इधर लगा F3, इधर लगा F2, इसका रिएक्शन F2, इसका रिएक्शन F3, और भाई साहब ये लग रहा है तुम्हारा F1 जो कि काइनेटिक का काम कर रहा था। आइए अब हम बात करते हैं व्हेन F इज ग्रेटर देन 9 न्यूटन, यानी अब मैं देखता हूँ कि कितनी वैल्यू ऑफ फोर्स पे यहाँ पे स्लिपिंग होती है। यानी अब मैं स्लिपिंग कंडीशन डाल रहा हूँ बिटवीन बी एंड सी। अब मैं स्लिपिंग कंडीशन डाल रहा हूँ बिटवीन बी एंड सी, राइट। स्लिपिंग कंडीशन डाल रहा हूँ बिटवीन बी एंड सी, बट याद रखने वाली बात यह है कि भाई एक्सेलरेशंस अलग अलग होंगे। ठीक है, तो मैं एक काम कर देता हूँ, मैं इस बार ए के एक्सेलरेशन को ध्यान दीजिएगा, मैं यही बना रहा हूँ आपके सामने इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। मैं ए के एक्सेलरेशन को दिखाता हूँ स्मॉल ए, और बी और सी में तो हमें स्लिपिंग कंडीशन ही चेक करनी है ना, तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ वो थोड़ा सा आप लोग गौर फरमाइएगा। इसको मैं एक सिस्टम की तरह ट्रीट कर रहा हूँ बी और सी को, सिस्टम मींस अगर हमें इसमें लिमिटिंग कंडीशन चाहिए तो नो डाउट दोनों साथ साथ ही चल रहे होंगे ना, तो इस सिस्टम का मतलब बी और सी के सिस्टम का एक एक्सेलरेशन आप ले सकते हो सपोज A1, बी और सी के सिस्टम को मिला के आप A1 का एक्सेलरेशन ले सकते हो। तो इससे एक बात समझ में आ गई कि अगर मैं केवल बी को बनाऊंगा तो मुझे A1 का एक्सेलरेशन दिखाई देगा, और अगर मैं केवल सी की FVD बनाता हूं तो भी मुझे इसमें A1 का एक्सेलरेशन ही दिखाई देगा। ठीक, चलिए वर्कआउट करते हैं क्या दिक्कत है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ वर्कआउट करते हैं क्या दिक्कत है। तो अभी मैं बात करता हूँ स्लिपिंग कंडीशन बिटवीन बी एंड सी।
तो सबसे पहले जैसा कि मैं बी के लिए ही इक्वेशन बनाता था, सबसे पहले मैं जो बी के लिए ही इक्वेशन बनाता था वो देखिए क्या बना रहा हूं, और बिल्कुल ध्यान से इस इक्वेशन को देखिएगा कि क्या बन रही है। ये भी देखिएगा बी वाले ब्लॉक की इक्वेशन मैं डील करने जा रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। एक तो कैपिटल एफ हो गया हमारा माइनस, वैसे हम क्या लिख रहे थे, कैपिटल एफ माइनस एफ टू माइनस एफ थ्री लिख रहे थे। अच्छा, इसके बीच में तो स्लिपिंग कंडीशन हम देख ही रहे हैं, तो यहाँ का जो फ्रिक्शन F2 देख रहे हो आप, वो लिमिटिंग वैल्यू तो फॉलो कर ही रहा होगा, ठीक है ना। इस सरफेस के बीच में स्लिपिंग कंडीशन देख रहे हैं हम, तो यहाँ का फ्रिक्शन तो लिमिटिंग फॉलो कर ही रहा होगा। तो F2 माइनस F ऑफ 2L माइनस F3 लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ भी स्लाइडिंग हो चुकी है क्योंकि आप 9 न्यूटन से बड़े फोर्स पर आ चुके हो, अब यहाँ भी स्लाइडिंग हो चुकी है क्योंकि तभी तो देखो इसका ए और इसका ए वन एक्सेलरेशन दिखाया मैंने, तो ये स्लिप कर ही रहा होगा, एक्सेलरेशन अलग अलग है, स्लिप कर रहा होगा। तो एफ थ्री इस बार जनरल नहीं, एफ थ्री इस बार काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब लिमिटिंग को ही फॉलो कर लेगा, और इसका लिमिटिंग मैंने आपको दिखाया था कितना था। चलो फिलहाल मैं एफ थ्री एल लिख देता हूँ, इसका लिमिटिंग पीछे लिखा हुआ है, मैं अभी वैल्यूज आपको दिखाऊंगा। वैसे वन न्यूटन था, ठीक है, माइनस एफ थ्री एल इज इक्वल टू वन इंटू ए, ए की जगह ए वन, ये आ गई बी के लिए इक्वेशन, ठीक है। सी के लिए इक्वेशन जब आप डालोगे, नहीं बी के बाद हम लोग बात करते थे ए के, बी के बाद हम लोग हमेशा बात करते थे ए वाली इक्वेशन के लिए, ठीक है। ए वाली इक्वेशन देख लो, ए वाली आप इक्वेशन देखोगे तो ड्राइविंग फोर्स एकमात्र कौन सा है, एफ थ्री, जिसको कि तुम F3 L बोलोगे बिकॉज स्लिपिंग हो रही होगी इधर, ये F3 आगे ले जा रहा होगा इसको, तो F3 L विल बी इक्वल टू 1 इंटू कितना एक्सेलेरेशन माना है, A मान लिया है। अब हमारे पास बचा ब्लॉक नंबर C, ये वाला, अब हमारे पास बचा ब्लॉक नंबर C, ठीक है। ब्लॉक C की इक्वेशन देखोगे, फिर ध्यान से देखना, B और C की रिलेटिव स्लिपिंग कंडीशन डाली थी, तो F2 की जगह तुम लिखोगे F2 लिमिटिंग, ये रहा, F2 की जगह तुम डालोगे F2 लिमिटिंग, राइट। इसके बाद माइनस में F1 लगाओगे, माइनस में F1 लगाओगे, F1 भी काइनेटिक फ्रिक्शन ही है, तो ये भी F1 L ही लिखोगे, माइनस में F1 L ही लिखोगे इज इक्वल टू 1 इनटू, और इसका एक्सेलरेशन माना था हमने A1। बच्चों टू बी वेरी फ्रेंकली ऑनेस्टी के साथ बताओ, तीनों ये तीन इक्वेशन समझ में आई, कहाँ कब किसकी लिमिटिंग लगाई। देखो ये B और C के स्लिपिंग की कंडीशन हमको चेक करनी थी, तो F2 की जगह मैं F2 लिमिटिंग तो लूंगा ही लूंगा, तो इन इक्वेशन में F2 की जगह F2 लिमिटिंग आ चुका है, ठीक है। वन की स्लिपिंग पहले ही हो चुकी थी तो एक्सेलरेशन अलग अलग दिखाया, और वन का ड्राइविंग फोर्स था तुम्हारा ये F3, समझ गया मेरी बात, तो F3 स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो गया, काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया, तो F3 L लिखा जाएगा, तो F3 L विल बी इक्वल टू 1 इनटू A, ये हो गई ये वाली इक्वेशन। और F माइनस F2 L, क्योंकि यहाँ की लिमिटिंग थी, तो F माइनस F2 L माइनस F3 L इज इक्वल टू 1 इनटू A, ये हो गई B की इक्वेशन। और C में F2 आगे ले जा रहा था, बट F2 L लगाओगे बिकॉज सरफेस ये वाला आप यूज कर रहे हो कंडीशन के लिए, तो F2 L माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन F1, काइनेटिक मतलब F1 L आ जाएगा, विल बी इक्वल टू 1 A। अब बताओ, ठीक, ओके। फिर से आप यहाँ पे जब सॉल्विंग करने लगो, क्योंकि वैल्यूज आपके पास हैं, वैल्यूज आपके पास हैं, वैल्यूज क्या क्या है तुम्हारे पास में ये भी आप ध्यान से देख लो। आपके पास में ऐसे लिख रहा हूँ मैं, F3 की लिमिटिंग है 1 न्यूटन, आपके पास में F2 की लिमिटिंग पड़ी हुई है 8 न्यूटन, और आपके पास में F1 की लिमिटिंग पड़ी हुई है 6 न्यूटन। सारी बातें आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, और इन सबको यूज़ करके, मतलब आप ऐसे कर लो कि अगर मैं इन इक्वेशन को नाम दे दूं कि सपोज़ दिस इज़ इक्वेशन वन,
दिस इज इक्वेशन टू एंड दिस इज इक्वेशन थ्री, तो मैं लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ बाय वन टू एंड थ्री ए की वैल्यू हमको मिलने वाली है, ए की वैल्यू हमको मिलने वाली है वन, ए वन आ जाएगा टू और एफ आ जाएगा इलेवन, ए आ जाएगा वन, ए वन आ जाएगा टू और एफ आ जाएगा इलेवन लीटर, ठीक। तो जब 11 न्यूटन का फोर्स यहाँ से अप्लाई होगा तो यहाँ पर भी रिलेटिव मोशन होने लगेगा। अब पूरी कहानी सुनो ध्यान से, अब पूरी कहानी सुनना ध्यान से, क्योंकि सारी कंडीशन आप निकाल चुके हो, सवाल एक तरह से हमारा खत्म हो चुका है। ये जीरो था, कहीं कोई स्लिपिंग नहीं थी, ना यहाँ थी ना यहाँ थी ना यहाँ थी, ना ही कोई कंडीशन ऑफ स्लिपिंग थी, तो फ्रिक्शन कहीं नहीं लग रहे होंगे। इसको मैंने ग्रेजुअली बढ़ाना शुरू किया, सबसे पहले कंबाइंड सिस्टम के लिए बात होने लगी, ठीक है। तो जैसे ही ये 6 न्यूटन पहुंचा, हमने कहा कि ये कंबाइंड सिस्टम एक साथ चलना शुरू करने वाला है 6 न्यूटन पे, तो यहाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन लग गया था 6 न्यूटन का, ठीक। उधर लिखा भी हुआ है F1L की वैल्यू। इसके बाद 6 से जैसे ही आगे बढ़ा, ये काइनेटिक में कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक में कन्वर्ट हो गया, लेकिन तीनों ब्लॉक साथ साथ जा रहे थे। बढ़ते बढ़ते 9 हुआ, 9 में ये दोनों बोलने लगे कि अरे सर 9 से मत बढ़ाइएगा, नहीं हमारे बीच में रिलेटिव स्लिपिंग हो जाएगी। मैंने कहा नहीं, मैं तो बढ़ाऊंगा, तो मैंने 9 से बढ़ा दिया, तो इनके बीच में रिलेटिव स्लिपिंग होने लगी, ठीक। लेकिन अभी भी बी और सी एक साथ गाना गाते हुए चले जा रहे थे। उसके बाद 9 से बढ़ते बढ़ते जैसे ही 11 पहुंचा, तो ए तो पहले ही अलग हो चुका था मोशन में बी से, जैसे ही 11 पहुंचा, अब बी और सी बेचारे रोने लगे, अरे सर अब मत बढ़ाइए प्लीज़, नहीं हम दोनों भी अलग हो जाएंगे। मैं कहूँगा ना मैं तो बढ़ाऊँगा, तो मैंने जैसे ही 11 से थोड़ा सा फोर्स आगे बढ़ाया, तो यहाँ पे भी रिलेटिव स्लिपिंग होने लगी, यानी तीनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन अलग अलग हो गए। यानी ये 11 न्यूटन का फोर्स ऐसा था कि 11 के पहले यहाँ स्लिपिंग शुरू हो गई थी और 11 पर यहाँ पे स्लिपिंग की कंडीशन आ चुकी है। तो 11 से जैसे ही आप जस्ट बढ़ाओगे, तो ये वाले सरफेस में भी रिलेटिव स्लिपिंग आपको देखने को मिल जाएगी। अब बताइए क्वेश्चन समझ में आया? F इज इक्वल टू 6 न्यूटन के पहले पे फ्रिक्शन F3 जीरो होगा? नहीं। चलिए आप ही लोगों से मैं पूछता हूँ, सवाल अच्छा पूछा है स्नेहा कनोडिया, सवाल सही है तुम्हारा, देखता हूँ। एक बच्ची है, उसने मुझसे पूछा है कि सर जब F इज इक्वल टू 6 न्यूटन पर जब आपने बात करी थी, उसने मुझसे पूछा कि सर F इज इक्वल टू 6 न्यूटन पे आपने बात करी कि सिस्टम जस्ट चलने वाला है, ठीक है, और उस समय आप बता रहे हो 6 न्यूटन के केस में कि यहाँ पे 6 न्यूटन का लिमिटिंग वैल्यू पकड़ चुका होगा बिकॉज जस्ट प्रिवेंट फ्रॉम मोशन की कंडीशन में है ये पूरा सिस्टम। सर मान लीजिए F हम 3 न्यूटन लगा रहे हैं, इसने यही तो सवाल था ना बेटा तुम्हारा, मान लो F हम 3 न्यूटन लगा रहे हैं, आप मुझे बताओगे क्या बॉटम सरफेस पे फ्रिक्शन लगेगा उस समय अगर ये F 3 है? आप सबसे मैं पूछ रहा हूं, अगर F 3 है तो क्या बॉटम सरफेस पे फ्रिक्शन लगेगा? अबे चलो बहुत बहुत बढ़िया सवाल आया दिमाग, बहुत अच्छा सवाल आ गया इसी 3 को लेके। मैंने 0 से इंक्रीज किया, समझना ध्यान से, मैंने 0 से इंक्रीज किया, अचानक से दिमाग में आई बात, मैंने 0 से इंक्रीज किया और इसको इंक्रीज करते करते 3 न्यूटन पर रोक दिया। मैंने इस F को 0 से इंक्रीज किया और इंक्रीज करते करते 3 न्यूटन पर रोक दिया, और अब आपसे पूछता हूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F1 F2 एंड F3? भाई साहब मजा आ जाएगा। अरे कोई तो बोलो, सवाल मेरा समझ गया आप लोग? मैंने यहाँ पे फोर्स को 3 न्यूटन पे लाकर रोक दिया। नाउ आई एम आस्किंग द वैल्यूज ऑफ फ्रिक्शन फोर्सेस बिटवीन ऑल द सरफेसेस, मींस F1, F2 एंड F3। 3 न्यूटन पे अगर मैं इसको रोक देता हूँ तो F1 कितना लगेगा, F2 कितना लगेगा, F3 कितना लगेगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा? मेरे हिसाब से सवाल तो समझ में आ गया होगा, मैं पूछ क्या रहा हूं आपसे,
बट इसको आंसरिंग कौन करना चाहेगा कि व्हेन द वैल्यू ऑफ एफ इज 3 न्यूटन देन व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑफ F1, F2 एंड F3? सार्थक साहू, नहीं सार्थक, तुमने कुछ गलती करी है और ऐसा मुझे लग रहा है कि जो गलती तुमसे हुई है वो शायद धोखे से हुई है। बेटा आंसर देखो एक बार, तुमने क्या भेजा है? तुमने शायद सोचा सही है और ये शायद तुमने टाइप करने में कुछ मिस्टेक कर दी है। आई थॉट, मुझे जो फील आ रहा है तुम्हारा आंसर देख के, सार्थक साहू मैं आपसे बात कर रहा हूं, सोचो क्या है, क्या गलती करी? अगर तुमने ये सही लिखा है, जानबूझ के ये लिखा है, तो फिर मैं तुम्हारे आंसर को गलत बोल सकता हूं। कहीं कुछ गड़बड़ कर गए हो तुम शायद टाइपिंग में। आई थॉट, मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है जो वैल्यूज तुमने दी है उसके हिसाब से। चलिए मैं बताता हूं यार, बेकार में इतना टाइम खराब करने का मतलब नहीं। बिल्कुल यस, ये आंसर है, ये आंसर है, समझे? लेकिन ना, F1 तो सबसे ऊपर वाला है, F1 तो सबसे ऊपर वाला है, F3 बॉटम वाला है ना? F1 बॉटम वाला है और F3 सबसे ऊपर वाला है। हाँ दिख गया, तो सार्थक नहीं, गलत है। मैं बताता हूँ, सुनो मैं बताता हूँ, अब आंसरिंग ना करना कोई, अब मुझे सुनना केवल, अब केवल मुझे सुनना। देखिए जब F0 था तो किसी भी सरफेस में मोशन की कोई कंडीशन नहीं आई थी, ये आप जान रहे हो अच्छी तरह, और उस समय किसी भी सरफेस में फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। माउस यहाँ रख के जाइए, आप जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने F को बढ़ाना शुरू किया, सबसे पहले बॉटम सरफेस पर स्लिपिंग की कंडीशन पे आई थी कहानी, और सिस्टम साथ साथ चल रहा था। बॉटम वाला जो सरफेस था इसमें मैंने बोला था कि 6 न्यूटन पे चलने वाला होगा, आप 6 के अंदर हो आप, यानी कि इसको मैं 3 न्यूटन पे मैं रोक रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं 3 न्यूटन लगा रहा हूँ। आप याद करिए जब मैंने आपको फ्रिक्शन का पहला लेक्चर पढ़ाया था, उसमें मैंने आपसे बोला था कि जब स्लिपिंग की रिलेटिव कंडीशंस नहीं होती हैं तो फ्रिक्शन नहीं लगता है, और जब स्लिपिंग की कंडीशंस आने लगती हैं तो ऐसा नहीं होता कि एक बार में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगा। फ्रिक्शन जब लगना शुरू होता है तो हमेशा पहले वो एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट होता है, उसके बाद जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ा रहे थे वैसे वैसे अपोजिशन यानी कि फ्रिक्शन बढ़ता जा रहा था, फोर्स बढ़ता जा रहा था, फ्रिक्शन बढ़ता जा रहा था। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ, फोर्स बढ़ता जा रहा था, फ्रिक्शन बढ़ता जा रहा था। अब तो आंसरिंग करो कितना होना चाहिए, ये चल नहीं रहा है, अब तो आंसरिंग करो कितना होना चाहिए, 3 न्यूटन पे चेक करना है मुझे यहाँ कितना फ्रिक्शन लग रहा है, अब आंसरिंग करो कितना होना चाहिए। फोर्स बढ़ता जा रहा था उसी अकॉर्डिंग फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा, बिकॉज देयर इज नो स्लिपिंग। F1 इक्वल टू F3, सार्थक साहू F1। अब सुनो, अब मैं तुमसे पूछूंगा नहीं, आंसर आए। अबे F1 सबसे नीचे वाला है, दिख रहा है ना? सार्थक साहू 3-0-0, यस सार्थक साहू का आंसर सही, बिल्कुल सार्थक साहू करेक्ट आंसर, गुड। बाकी स्नेहा नहीं बेटा, देखो मैं बताता हूँ सुनो, जब ये कंबाइंड था ना तो केवल मोशन की कंडीशन इधर आ रही थी, तो ये वाला फोर्स ही तो एक्सटर्नल फोर्स को बैलेंस करेगा, बाकियों से कोई मतलब मत रखिए यार। आप कंबाइंडली डील कर रहे हो ना, 6 न्यूटन के अंदर तो तुम कंबाइंडली डील कर रहे हो, ये मत सोचो कि इस वाले ब्लॉक में अलग से फोर्स लगेगा तो इसकी स्लिपिंग कंडीशन आएगी। अबे इसमें स्लिपिंग कंडीशन होगी ही नहीं बी और सी के बीच में, और ना ही ए और बी के बीच में। 6 न्यूटन के पहले या 6 न्यूटन तक ए और बी या फिर बी और सी, ये जो दो सरफेस आप देख रहे हैं, इसमें स्लिपिंग की कंडीशन ही नहीं होगी तो यहां फ्रिक्शन थोड़ी ना लगेगा। यानी 0 से 6 न्यूटन तक वैल्यू ऑफ F2 एंड वैल्यू ऑफ F3 विल बी इक्वल टू 0। प्रूफ करूं,
प्रूव कर दूं दूसरे रास्ते से। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन कठिन लग रहा है, सुनना ध्यान से। 6 न्यूटन के अंदर, 6 न्यूटन के अंदर यानी 3 न्यूटन पे सिस्टम नहीं चल रहा था, राइट? 6 न्यूटन पे ये सिस्टम नहीं चल रहा था, ओके? क्या 1 को ड्राइविंग फोर्स F3 जो हम ले रहे हैं बार बार, ये मिल रहा होगा? नहीं मिल रहा होगा। अगर ये मिलता तो ये चल देता। इसका मतलब अगर ये रेस्ट पे है तो F3 मिल ही नहीं रहा होगा, चाहे कोई भी वैल्यू आप पकड़ लो, वो मौजूद ही नहीं होगा इसके लिए, नहीं तो चला देता ना ऐसे ले। तो इसका मतलब जब तक 6 न्यूटन पहुंचेगा, 6 न्यूटन तक F2 और F3 जीरो रहेंगे, और 6 न्यूटन तक जो F1 है वो हमेशा एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल एंड ऑपोजिट रहेगा। कैपिटल F0 F1 0, कैपिटल F1 न्यूटन F1 1 न्यूटन, कैपिटल F2 न्यूटन F1 2 न्यूटन, 3 न्यूटन F1 3 न्यूटन। बट इस पूरे सिलसिले में, इस पूरी कहानी में F2 और F3 जीरो बने रहेंगे, बिकॉज कहीं मोशन नहीं हो रहा, कहीं कोई टेंडेंसी ए और बी या बी और सी के बीच में नहीं आ रही। क्या बात समझ में आई? बहुत अच्छा सवाल पूछा इसने, और देखिए कितना बढ़िया एक्सप्लेनेशन होगा, और आंसर किसी के पास था ही नहीं। मान लीजिए इसी सवाल में मैं आपसे पूछ लेता, या सवाल में पूछा होता, सपोज सवाल में पूछा होता कि 3 न्यूटन या 4 न्यूटन या 5 न्यूटन पे आप सारे सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन की वैल्यू बताइए, आधे से ज्यादा जनता गलत करके आती, आधे से ज्यादा जनता गलत करके आएगी, सवाल करिए। ठीक है, कैसे सोचना है? अरे पहले ये देखो कि सिस्टम चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। तो जो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आ रहा है ग्राउंड के, जहां पे स्लिपिंग कंडीशन बन रही है, केवल वहां फ्रिक्शन काम करेगा, बाकी दो में किसी तरह की स्लिपिंग कंडीशन नहीं है। तो F2 0 F3 0, केवल F1 की बात करिए। अब बोलो, और यहां बिल्कुल इस बात से कंफ्यूज मत होना कि सर फोर्स तो 1B वाले, फोर्स तो सर बी वाले ब्लॉक में लग रहा है, सर यहाँ क्यों नहीं फ्रिक्शन जीरो, मतलब यहाँ क्यों नहीं फ्रिक्शन होंगे? मैं कहूँगा तुम बी को मत देखो केवल, तुम सिस्टम को देख रहे हो। जब सिस्टम को देख रहे हो तो बी तो एक इंटरनल पार्ट ऑफ आ गया ना सिस्टम का, तो बी को काहे ढूंढ रहे हो? सिस्टम की बाउंड्री वॉल नहीं दिखाई दे रही, सिस्टम की बात करो, बी की बात ना करो। अब बोलो बात क्या समझ में आई? जब 6 के अंदर हो तो फ्रिक्शन कैसे डील करेंगे? F2 और F3 का जो जन्म होगा वो 6 न्यूटन के जस्ट बाद होगा। F2 और F3 का जो जन्म होगा, यानी ये जो जन्म लेंगे इस धरती पर, वो F2 और F3 6 न्यूटन, कैपिटल F की 6 न्यूटन के बाद वाली वैल्यू से लेंगे, 6 न्यूटन के पहले नहीं लेंगे। अब बताओ कैपिटल F लेस देन 6 पर वैल्यूज ऑफ F1 F2, अबे एक सेकेंड लिख देता हूं, ये था ना, सुनना सुनना, मैं इसको लिख देता हूं अलग से ताकि आपको याद रहेगा। तो मैं ये ले रहा हूं, व्हेन कैपिटल F लेस देन 6 न्यूटन, व्हेन कैपिटल F लेस देन 6 न्यूटन और इक्वल टू 6 न्यूटन। ठीक है, वैल्यू समझना, F1 था, F1 विल बी इक्वल टू F, F1 की वैल्यू हमेशा किसके बराबर होगी? F के बराबर होगी। बाकी F2 और F3 एंड F2 इक्वल टू एंड F2 इक्वल टू F3 विल बी इक्वल टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ गया यहां पे, जिसकी तरफ तो हमने भी नहीं ध्यान दिया था कि अगर 6 न्यूटन के अंदर, हम तो 6 से आगे बढ़ लिए थे ना, 6 के अंदर भी तो आ सकते थे हम लोग, तो आ गए अंदर। देखिए ये रिजल्ट, ठीक, ओके। काफी टाइम इस सवाल ने ले लिया हमारा, लेकिन भाई साहब ईमानदारी से आपको बताऊं, बहुत जानदार सवाल था ये ना।